अपना चेंबर जिस दिन बीठा है ना उसी दिन इसको फुल किया था। एंड अपन अभी चलाने वाले है Z6 स्पीड। So hello there and welcome back to the channel everyone. This is Pedileo and welcome to this new video guys. Super energetic vlog. And सुबह के बज गए हैं, नहीं सुबह के नहीं, दोपहर के बज गए हैं 12:45 एंड मेरे लिए तो सुबह ही है क्योंकि अपन 10-11 बजे उठने वाले इंसान में से है। रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 10-11 बजे उठेंगे। अपना काम ही वैसा है, मेरा कोई 9 to 5 वाला जॉब नहीं है कि मेरे को बराबर सुबह 7-8 बजे उठना पड़ता है। मैं जब ही उठेगा तभी मेरा काम चालू होता है। एंड मेरा काम भी कुछ इस तरह से शेड्यूल रहता है कि मैं 10 बजे 9 बजे अगर उठा तो भी कुछ काम मेरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं 10-11 बजे आराम से उठता है एंड मेरा सब काम हो भी जाता है। एंड ये मेरा अभी से नहीं, 1-2 साल से मेरा ये रूटीन है पहले से ही, सो इट्स नॉर्मल फॉर मी। सो दैट वॉज सम इनसाइडर न्यूज ऑफ Pedileo फ्रॉम Pedileo। सो गाइस अभी अपन निकले हैं टुवर्ड्स द गैरेज टू गेट अ वेरी वियर्ड प्रॉब्लम फिक्स्ड विच केम आउट ऑफ नोवेयर। एंड वो प्रॉब्लम अभी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है आउट ऑफ नोवेयर। मेरा पेट्रोल का टैप है उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा है, मतलब बेसिकली वो पेट्रोल होल्ड नहीं कर पा रहा है एंड पेट्रोल लीक हो जा रहा है। तो ऐसा वन फाइन डे सुबह सुबह मैं उठा एंड गाड़ी की तरफ देखा तो नीचे दिखा मेरे को ऑयल का मार्क्स। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद से गाड़ी में से किधर ऑयल भी लीक होता रहेगा, अभी जैसा चेंबर डाल दिया है तो ऑयल का फ्लो बढ़ा दिया है तो शायद से वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अपना गाड़ी का पैकिंग वगैरह सब कुछ एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। सो मैं सोचा कि यार ये क्या सीन है, देन गाड़ी के तरफ जाके देखा तो बराबर अपना टैप के इधर से पेट्रोल लीक हो रहा था एंड मैंने उसको ऑफ भी करके रखा था। तो ऐसा कुछ सीन्स हो रहा है। तो अभी अपन वही जा रहे हैं रफीक गैरेज पे एंड वो टैप लगा लेंगे। टैप लगाने का कोई ज़्यादा बड़ा मेजर काम नहीं है, छोटा ही काम है टैप खोल के चेंज करने का, लेकिन उसके पीछे का जो मगजमारी है वो बहुत दिमाग को त्रास है। जैसे कि इसमें जो अभी अपना टैंक में अच्छा खासा अमाउंट में पेट्रोल भरा पड़ा है, इधर तक रहेगा पेट्रोल, मेरे को दिखा देता आप लोग को, 19 सेकंड्स बाकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते ऊपर तक दिख रहा है, पहला ऊपर तक ही था पेट्रोल, बाद में नीचे गया। रात को हर 30 सेकेंड 1 मिनट में एक एक बूंद गिर रहा था, तो अच्छा खासा अमाउंट में है पेट्रोल, कम हो गया है। 100-200 ml तो कम हुआ ही रहेगा इजीली। ओ भाई ऐसा छिल मार के क्या चल रहे हैं लोग? तुम्हारा सिग्नल नहीं है भाई, हमारा सिग्नल है, हम तुमको उड़ा भी सकते हैं। और वैसे भी रूल है मुंबई में तो है कि अगर आप फुटपाथ पे से नहीं, अगर आप ऐसा क्रॉसवॉक से नहीं चल रहे जो ये रहता है अपना जेब्रा क्रॉसिंग, और अगर आपको उड़ा दिया किसने बेसिकली गाड़ी वाले ने, तो गाड़ी वाले पे केस नहीं होएगा, केस आपके ऊपर हो जाएगा क्योंकि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे से नहीं चल रहे थे। एंड ये रूल बहुत पहले से निकल के रखा है इधर, क्योंकि अपने इधर मुंबई थाने रीजन में कोई किसका सुनता नहीं है, सब लोग अपना मनमर्जी चलाते हैं, तो ऐसा रूल बना दिया है। तो जिसको जिसको मालूम है, और अगर नहीं मालूम तो अभी मैंने बता दिया है। तो गाड़ी एक टाइम के बाद में किक डाउन करता है, थर्ड गियर भाग रहा है, भाग रहा भाग रहा है पिकअप। और साउंड भी इतना है ना, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा गाड़ी का साउंड है।
लेकिन भाई जो मज़ा आता है ना, दिस इज़ द पावर ऑफ टू स्ट्रोक, जस्ट अ फ्रिकिंग 100 cc विथ चेम्बर, एंड इसके अंदर अभी भी मॉड्स बाकी है, मतलब अभी तो खाली 20% मॉड किया हुआ है, एग्जॉस्ट ही लगाया सिर्फ, ना इसका अंदर रेसिंग सीडिया डाला है, ना इसमें कॉइल में चेंजेस किया है, ना स्पार्क प्लग डाला है, ना स्प्रॉकेट है, ना मतलब इंजन ब्लॉक पोर्टेड है, बोर्ड है, कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ एक एग्जॉस्ट है। तो सोचो ये सब हो जाने के बाद में गाड़ी क्या पागल जैसा भागेगा, मतलब खाली एक चक्के पे ही चलेगा, और अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट अभी मैं आप लोगों को इधर तो दिखा नहीं सकता है, तो दिखा सकता है क्या? नहीं, इधर थोड़ा पब्लिक प्लेस है, लेकिन भाई साहब गाड़ी उठता है, जो घप करके उठता है ना, गाड़ी का पीछे वाला टायर में हवा भी थोड़ा सा कम है। एंड अभी अपने इधर थोड़ा मुंबई थाने में थोड़ा सा ठंडी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, अच्छा खासा मात्रा में ठंडी हो रहा है, 17-18 degrees तक जा रहा है रात को, विच इज़ जस्ट क्रेजी। मतलब हम मुंबई कर लोग के लिए, थाने वाले पब्लिक के लिए बहुत बड़ा बात है ये, क्योंकि हम लोग 30-35 में रहने वाले लोग हैं भाई, ये नॉर्थ वाले लोग के लिए ये कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है उनके लिए। सो वी आर हियर, जुगाड़ जुगाड़ पे जिंदगी चलता है सेठ। अभी चेक कर लेना, अभी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड के लिए अपने को डालना पड़ेगा ना, बाद में इधर बैठेगा नहीं, बाद में तो मगरमगर करना पड़ेगा, फिर वो पाइप ही लाके बिठा देगा और क्या। और बाकी ये सब ठीक है क्या, अपना टूटी टूटी का लाइन लीकेज विकेज नहीं है ना? हां लीकेज है, हल्का था, इतना इमरजेंसी नहीं है, डब्बा लीकेज कर रहा है। ओ ये देखो ना, मैं अपना चेंबर जिस दिन बिठा है ना उसी दिन इसको फुल किया था, और अभी आधा पे आया, अभी आधा भी नहीं हुआ पूरा, आधा मतलब ऐसा ऐसा खींच रहा है वो चेंबर डालने के बाद में। लेकिन छोटू भाई गाड़ी ऐसा चल रहा है ना, क्या बोलेगा, दिक्कत एकदम खतरनाक। ये है मैक्सिल का 6 स्पीड क्या क्या काम किया उसका फिर ऐसा? कार्बोरेटर बदली, कॉइल बदली किया है। और इसका तो अभी कुछ दिख रहा नहीं है पीछे का एयर फिल्टर वाला बॉक्स, काम चालू है इसका, काम चालू है, तो चलेगा ये साल 2023 में? चलेगा, चल ही रहा है, दौड़ रहा है अभी, तो ऐसा दौड़ रहा है कि पूछूंगा पीछे कर दे सबको, अभी शेयर है बोलता है, और क्या है ऐसा बोल, 6 स्पीड ना, लेकिन छोटू भाई ये भी 135 है, ये भी 135 है बोला, लेकिन ये 135 है, ये भी 135 है, लेकिन ये चलता अलग है, तो क्या रीज़न क्या है? रीज़न क्या, पोर्ट का वैसे, पोर्ट BHP आता है। हाँ, ये कितना 18, ये कितना है? 14 है ना, इसमें एक किंग आता है ना, किंग किंग भी आता है, वो 18 है शायद से, किंग 18 है ना, किंग बोले तो ये किंग से भी ज़्यादा भारी भागता है। अरे बाप, इसका हर चीज़ अलग है ना, इसका सभी अलग है, इधर मिलेगा भाई इंडिया ये, और ये इसका ना ये एक खतरनाक बात है, कोई भी पार्ट शेयर नहीं करता, ये मिलेगा ही नहीं, ये कोई भी मतलब बोलता है ना आपने, ये सब गाड़ी का कैसा ब्लॉक पिस्टन ब्लॉक, हाँ कुछ भी चेंज हो सकता है, केसिंग वेसिंग इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक एक पार्ट नहीं जाएगा इसका, पिस्टन चेंज होगा तो छोड़ देंगे, सिर्फ रिम विम जा सकता है, क्या बोलते हैं छोटू, लाइनर विनर, हाँ वैसे सब छूट, कॉस्मेटिक में कुछ नहीं। सो गाइस नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अपन अभी एक बहुत ही क्रेजी सीन्स करने जा रहे हैं, अभी अपना RX लगा रहे हैं इधर, एंड अपन अभी चलाने वाले हैं Z6 Speed जो है मैक्सिल भाई का, बहुत दिन से अपने को इंतज़ार था ये मोमेंट का, और अभी अपन वो चीज़ करने वाले हैं। दिखाओ जरा छोटू भाई, चाबी लगा है ना, लगेगा चाबी लगा है, चालू है क्या पेट्रोल लीटर सब, ऊपर करूँ तो
हवा ही हुआ है क्या? ओके, अरे हवा नहीं आगे चलेगा ना, ऐसे जा सकता है ना। किक बैक मारता है रे, को भाई जरा पहले इसमें हवा भरते अपन। चलो भाई लोग निकलते हैं, मैं चलो करो अपना काम, तुम लोग आराम से नाश्ता व्यवस्था कर लो, कुछ 2 बज गए। चलो छोटू सर, चलो आता है मैं, चले आरडी स्पेशलिस्ट। सो गाइस डन फॉर द डे, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग भी मिल गए थे गैरेज पे, वो लोग अपना लेके आए थे 135 5 स्पीड एंड RX 100 डुप्लीकेट पार्ट्स लगा हुआ था उसके अंदर, एंड वही वो सब अपना अपना नया नया पार्ट्स लगा रहे थे सब ओरिजिनल वाले। सो या बाकी RX Z 6 स्पीड भी चला लिया आज, ज़बरदस्त मज़ा आया। वीडियो आ जाएगा जल्दी अपने चैनल पे, एंड अपना ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। एक्चुअली मेरे को लगा कॉक का प्रॉब्लम है, वो पेट्रोल कॉक का, लेकिन वो पेट्रोल कॉक का नहीं था, वो था इसका अपना पाइप का था। पाइप का जो मुंह रहता है आगे वाला जो कॉक में घुसता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया था, जिसकी वजह से वो पेट्रोल लीक कर रहा था। तो छोटू भाई ने उसको काट के अभी के लिए तो जुगाड़ के लिए लगा दिया उसको,